सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन हार्ड स्किल या सॉफ्ट स्किल का मतलब समझने के लिए हमें ये वीडियो देखना होगा। हार्ड स्किल, किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उसे करने का सही तरीका और उसका सही प्रशिक्षण मिलना जरूरी होता है। स्कूल और कॉलेज में जो सिखाया जाता है वह तकनीकी शिक्षा यानी टेक्निकल नॉलेज होता है, यही हार्ड स्किल कहलाता है। हार्ड स्किल के साथ हम नौकरी या व्यापार कर सकते हैं जो हमारा पेशा या रोजगार होता है, लेकिन जब हार्ड स्किल का इस्तेमाल किया जाता है तब उसके साथ कई और चीजों की भी जरूरत होती है जिन्हें सॉफ्ट स्किल कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो व्यापार या नौकरी पाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए जिस कुशलता की जरूरत होती है उसे सॉफ्ट स्किल कहते हैं। नौकरी या व्यापार, किसी भी क्षेत्र में कामयाबी के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों ही जरूरी हैं। आइए कुछ उदाहरण से ये हम समझते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर को कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स और उसके काम के बारे में जानकारी होना हार्ड स्किल हुआ, लेकिन काम करते समय टीम के साथ रहना और काम के बारे में जानकारी लेते रहना, अपने ग्राहकों को सही सेवा देना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना सॉफ्ट स्किल है। डॉक्टर को मानव शरीर और उसकी बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी और ज्ञान होना हार्ड स्किल है, और मरीज के साथ प्यार से पेश आना, दवाई के साथ ही उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाना सॉफ्ट स्किल है। किसी भी बिजनेसमैन को अपने उत्पाद या सेवा की कीमत, उसका उपयोग कैसे, कहां और कितने समय तक करना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं, इस बारे में जानकारी होना हार्ड स्किल कहलाता है, जबकि ये सारी बातें अपने ग्राहक को समझाना उनका सॉफ्ट स्किल हुआ। नौकरी के दौरान सौंपी गई सारी जिम्मेदारियां समय पर पूरी करना हार्ड स्किल है, जबकि अपने सहकर्मियों के साथ मिलजुल कर रहना, जानकारी लेना और देना, कंपनी के नियमों का पालन करना, यह सब सॉफ्ट स्किल हुए। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि काम करने के लिए हार्ड स्किल का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होता है और सॉफ्ट स्किल का अप्रत्यक्ष रूप से। कई विशेषज्ञ अपनी कामयाबी के लिए सॉफ्ट स्किल को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने 80% महत्व सॉफ्ट स्किल को दिया है और केवल 20% महत्व हार्ड स्किल यानी तकनीकी जानकारी को दिया है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण स्कूल से ही दिया जाए तो पढ़ाई के साथ ही जिंदगी में भी कामयाबी आसानी से मिल जाएगी। जनहित में किए गए एक सर्वे के अनुसार 2020 तक बहुत बड़ा युवा वर्ग सॉफ्ट स्किल की कमी के कारण रोजगार खो सकता है। सारांश, नौकरी हो या व्यापार, कोई भी काम करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए सॉफ्ट स्किल का होना और उसका सही प्रशिक्षण मिलना भी उतना ही जरूरी है।